कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, और इसकी खोज कैसे हुई है, और किस देश में ध्यान की खोज की गई थी, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देखो, ध्यान क्या है ये तो आपको बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ध्यान क्या है। इसकी एग्जाम्पल जिससे भी पूछोगे, हर कोई आपको ध्यान के बारे में अलग अलग चीजें बताएगा, मेडिटेशन के बारे में अलग अलग चीजें बताएगा। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, चाहे तुम किसी किताब में पढ़ रहे हो वो, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो वो, चाहे किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कोई आपको, चाहे कोई गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, कोई भी हो, वो बताता है, उससे आप सुनते हो, वो मेडिटेशन की अलग अलग आपको क्रियाएं बताता है, मेडिटेशन क्या होती है, ध्यान क्या होता है, ये सारी चीजें बताता है। देखो, मेडिटेशन का, ध्यान का इतिहास क्या है, इसे खोजना आसान नहीं है। आप चाहे इंटरनेट पर खोज लो, बहुत से इंटरनेट पर क्या बताया जाता है, या बहुत से लोग क्या बताते हैं कि जो मेडिटेशन है वो 2 से 2.5 हजार साल पुरानी है, 2 से 2.5 हजार साल पुरानी टेक्निक है जिसे खोजा गया था। कई देश इसे खोजने की बात करते हैं, हर कोई कहता है कि ये हमारी खोज है, और अलग अलग महापुरुषों के द्वारा इसे जोड़ा गया है, इसकी खोज को जोड़ा गया है कि मेडिटेशन की खोज इसने की, उसने की, कोई इसकी खोज नेपाल में बताता है, कोई भारत में बताता है, कोई हर कोई अलग अलग जगहों पर मेडिटेशन की खोज के बारे में बताया जाता है। ज्यादातर लोग मेडिटेशन की खोज कहाँ मानते हैं, कि भारत में मेडिटेशन की खोज हुई थी। लेकिन अगर इंसानी व्यवहार को देखो, ध्यान से देखो, तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन या फिर ध्यान दिमाग में बह रही ऊर्जा, शरीर में बह रही ऊर्जा को बैलेंस बनाने के लिए है। दिमाग में जो बेवजह ऊर्जा बह रही है, उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? मेडिटेशन या फिर ध्यान? ध्यान योग का एक कंसेप्ट रहा है, योग का एक टॉपिक रहा है। पुराने जमाने में जो लोग योगा सिखाते थे, जो लोग योगा करते थे, योगा का ही एक एक पाठ्यक्रम होता था जिसमें मेडिटेशन करवाई जाती थी। क्योंकि योग के द्वारा आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हल्का करते हो, उसकी कसरत करते हो। शरीर जैसे ही किसी कसरत को करता चला जाता है, तो वो हल्का महसूस करता है खुद को। तो उन्होंने क्या सोचा कि दिमाग के लिए भी कोई ऐसी कसरत होनी चाहिए जो दिमाग को हल्का महसूस करवाए। तो उसके लिए कौन सी कसरत थी योग में, योगा में? वो है ध्यान। ध्यान को दिमाग की या फिर मन की कसरत कहा जाता है, ताकि मन निर्विचार हो, दिमाग निर्विचार हो, और उसे एक तरह का हल्कापन महसूस होता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो रहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, बहुत ज्यादा चिंताएं होती हैं उनकी जिंदगी में। तो उन चिंताओं को कम करने के लिए लोगों ने क्या, इसका मेडिटेशन का सहारा लेना शुरू कर दिया, ध्यान का सहारा लेना शुरू कर दिया। जबकि पहले ध्यान की जब शुरुआत हुई तो ये योग का ही एक कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने ध्यान की खोज की थी, लेकिन ये एक गलतफहमी है। गौतम बुद्ध ने ध्यान की खोज नहीं की थी, उन्होंने ध्यान के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था। ज्यादा काम गौतम बुद्ध ने योग के ऊपर किया था। उन्होंने जो उनकी विचार हैं, उनकी बातें जो उन्होंने कही हैं, उनको ध्यान से सुनो कभी, उनके विचारों को पढ़ो कभी। गौतम बुद्ध तुम्हें ध्यान के बारे में नहीं कहते, गौतम बुद्ध के बाद जो लोग आए उन्होंने ध्यान को गौतम बुद्ध के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान कब शुरू हुआ इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। ध्यान बहुत पुराना आइडिया है जो योगा में इस्तेमाल किया जाने लगा बाद में। एक चीज और, अगर आप इंसानी व्यवहार के बारे में सोचें, इंसान कैसे सोचता है, तो इंसान में, मर्द में बेसिकली इच्छाएं क्या होती हैं? सेक्सुअल इच्छाएं। सेक्स एक तरह का आनंद देता है मर्द को, वैसे औरत को भी देता है, लेकिन ध्यान ज्यादातर किन किन लोगों ने किया है? मर्दों ने ही किया है। भारत में ध्यान के ऊपर किताबें भी मर्दों ने लिखी हैं, इसके ऊपर व्याख्यान भी मर्दों ने दिए हैं, और इसके इसके ऊपर जो ज्ञान होता है लोगों को, वो भी मर्दों को हुआ है। तो ये एक जो विषय है, ये जो सब्जेक्ट है, ध्यान या फिर मेडिटेशन, ये भारत में मर्दों के लिए ही रहा है। औरतों के लिए, औरतें ध्यान वगैरह नहीं करती, उनके लिए तो
बातें होती हैं, विचार होते हैं, सत्संग वगैरह होती है, धार्मिक प्रवचन होते हैं, तो औरतें कानों से ज्यादा सोचती हैं, तो उनको सुनने में ज्यादा रस होता है, ध्यान वगैरह में औरतों का रस नहीं होता, लड़कियों का या औरतों का फीमेल माइंड का ध्यान में कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होता। हाँ, कुछ औरतें हो सकती हैं, कुछ लड़कियां हो सकती हैं जो ध्यान में इंटरेस्टेड हों, लेकिन ज्यादातर नहीं होती। ध्यान में जो पहला झुकाव था रहा है वो मर्द का ही रहा है, क्योंकि मर्द व्यवहारिक तौर पर, बेसिक तौर पर इमोशनली हाई सेक्सुअल होता है, उसके दिमाग में ज्यादा टाइम सेक्स ही चलता रहता है, कामुक इच्छाएं ही ऊपर नीचे जाती रहती हैं, उठती रहती हैं मर्द के दिमाग में। तो जैसे जैसे पुराने जमाने में मेडिटेशन की खोज कैसे हुई है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। थोड़ा अगर पीछे जाओ सोचो तो मर्द क्या है, आज भी पहले भी वो सेक्सुअल है, वो उसकी पहली नीड है, वो सेक्स चाहता है। जवान होते ही उसे क्या चाहिए, सेक्स चाहिए। सेक्स में जो आनंद आता है वही आनंद सेम आपको मेडिटेशन में आता है। हाँ, सेक्स में वो आनंद थोड़ा कम होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन मेडिटेशन में या ध्यान में वही आनंद दिमाग को विचारों से मुक्त करने का वो ज्यादा टाइम तक रहता है। तो उसी एक एहसास की ये जो इस एहसास को करना है, इसका इस भाव को महसूस करना है, वही चीज ध्यान तक लेकर आई है मर्द को। और पूरी दुनिया में मर्द ने ध्यान को फैलाया है जैसे उसने सेक्स को फैलाया। जैसे जैसे मर्द बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो ढीली होती चली जाती हैं, उसकी सेक्सुअल जो कामुक इच्छाओं को पूरी करने वाली जो इंद्रियां हैं वो उसका साथ कम देने लगती हैं, लेकिन दिमाग हमेशा वैसे का वैसा रहता है, दिमाग फ्रेश रहता है। पुराने जमाने में जो लोग ये बातें कह के गए हैं कि इश्क हमेशा ताजा रहता है, तो उन्होंने इसी चीज की बात की है कि दिमाग या फिर दिमाग में जो एनर्जी है, जो आपके ख्यालात होते हैं, ख्याल होते हैं, जज्बात होते हैं, वो हमेशा ताजा रहते हैं, क्योंकि दिमाग बना ही ऐसे है, कुदरती ही उसकी डिजाइनिंग ही ऐसी है कि वो हमेशा खुद को फ्रेश महसूस करता है। फ्रेश कहने का मतलब कि हर वक्त जागा हुआ होता है, तो जाहिर है उसके अंदर जो इच्छाएं जागेंगी वो उसी वक्त उनको पूरा करना चाहेगा। वैसे ही सेक्सुअल इच्छाएं होती हैं, तो सेक्सुअल इच्छाएं जब पूरी होने की उम्मीद कम हो जाती है, मर्द की तरफ से कम हो जाती थी, तो उसने इसकी जगह ध्यान को रखना शुरू कर दिया। बाद में जो लोग आए उन्होंने ध्यान को ज्ञान के साथ जोड़ा, और जो उनको ज्ञान वगैरह होता था, नॉलेज आती थी, तो उन्होंने ध्यान के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और आज भी ये गलत फहमियां फैली हुई हैं दुनिया में कि ध्यान से ज्ञान होता है या फिर ध्यान के बिना कोई ज्ञान नहीं होता। ध्यान और ज्ञान का कोई आपस में लेना देना नहीं है। पहली चीज, ध्यान सिर्फ आपके माइंड को रिफ्रेश करता है, उसको विचारों से मुक्त करता है, उसको एक हल्कापन देता है और आपको अच्छी नींद आ जाती है, आप ज्यादा नहीं सोचते हैं। और बड़ी बात क्या है, ध्यान क्या है, कल्पना और यथार्थ के बीच रहना, कल्पना और यथार्थ के बीचों बीच रहकर दोनों को देखना। तुम एक ही वक्त में कल्पनाओं को भी देख रहे हो और यथार्थ को भी देख रहे हो। जो इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है वही असली ध्यान को पा लेता है, ठीक है। तो ये होता है ध्यान, कि आप ध्यान कर रहे हो, आपका ध्यान सही जगह पर लग गया है, आपके दिमाग का, आप यथार्थ को भी पूरा पूरा समझ रहे हो और कल्पनाओं को भी पूरा पूरा समझ रहे हो। तो ये है ध्यान। ध्यान आपके दिमाग को खाली करने के बारे में है, इसे फ्रेश करने के बारे में है, इसे आराम देने के बारे में है। तो इस तरह ध्यान की खोज हुई, ध्यान को धीरे धीरे लोग आगे लेकर आए, इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस होती थी और धीरे धीरे इसके ऊपर जब लिखने की शैली आई, बोलने की शैली आई, तो लोगों ने इसके ऊपर प्रवचन करने शुरू कर दिए, फिर इसके ऊपर किताबें लिखनी शुरू कर दी। और आजकल मेडिटेशन क्या है, आजकल मेडिटेशन एक बिजनेस बन चुका है, व्यापार बन चुका है, और लोग इस व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, अगर आपको ध्यान सिखाने का कोई पैसा मिलता है, कुछ मिलता है, तो बिल्कुल सिखाओ, लेकिन सही सिखाओ। तो ध्यान की जो बातें हैं इसके कारण बहुत से लोग आपको गलत फहमियों का शिकार बना देते हैं, बहुत सारे लोगों ने गलत फहमियां फैलाई हुई हैं ध्यान के बारे में, तो उनसे बचने की जरूरत है।
जो लोग आपको कहते हैं कि ध्यान से ज्ञान होता है, ये होता है, वो होता है, या फिर जिन लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ध्यान को जोड़कर आपको बेचने की कोशिश करते हैं या बरगलाने की कोशिश करते हैं, किसी के इतिहास को, किसी के ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके साथ ध्यान को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए। जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि हमारे पुराने महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, ये किया, वो किया, उनके पास क्या सबूत है? उनके पास कोई सबूत नहीं है। योगा एक सबूत बनता है कि हाँ, हो सकता है वो योग करते हो। योगा की एक पोजीशन होती है, शारीरिक पोजीशन होती है, वैसे ही ध्यान की भी होती है, लेकिन ध्यान एक योग का कंसेप्ट है, मैं आपको ये बता रहा हूं। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप इसे अलग मानकर चलते हो तो आपको फिर योगा का पता ही नहीं है कि योग क्या है। योग और ध्यान, ये दोनों एक ही टाइम पर इनकी खोज की गई थी। शरीर के लिए योग बना है और दिमाग के लिए ध्यान बना है। तो ये योगा का कंसेप्ट है ध्यान। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने इसको अलग बना लिया है। बहुत से लोग एक अलग ही पागलपन का शिकार हो जाते हैं, फिर दूसरों को भी ध्यान वगैरह सिखाने लगते हैं, ज्यादा कुछ उनको पता नहीं होता ध्यान के बारे में। तो ध्यान का इतिहास कोई है बहुत पुराना, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि मेडिटेशन कहाँ से शुरू हुई, ध्यान कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन लोग इनको अलग अलग महापुरुषों के साथ आपको जोड़कर दिखा देते हैं। देखो, जब किसी से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसका उसको बस ये होता है कि मैं आंसर कर दूं, चाहे आंसर झूठ ही हो। और भारत में ज्यादातर किताबें ऐसी ही लिखी गई हैं। जो भी किताबें, मैंने बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता रहता हूं, अब भी पढ़ता हूं, और बहुत सारी चीजें जब मैं ध्यान से देखता हूं, खोजता हूं, तो मुझे पता महसूस होता है कि ये कोई बात बन नहीं रही जो बताई जा रही है। जो लिखने वाला बता रहा है वो ऐसे ही बस काल्पनिक बातों को जैसे तैसे सच साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में कुछ सच है नहीं उसमें। वैसे ही आपको, अब जो लोग मेडिटेशन के बारे में बोलना चाहते हैं, अपना जिन्होंने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, कोई नई किताब लिखना चाहता है, कोई अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता है, कोई किसी और को सिखाना चाहता है, कई गुरु मैं देखता हूं वो अपना प्रवचन करने से पहले यूट्यूब का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, किसी और को सुनते हैं, फिर अपने जो उनको सुनने वाले हैं उनको बताते हैं। नहीं, जो लोग तुम्हें सुनने आ रहे हैं वो तुम्हारे विचार सुनने आ रहे हैं, तुमको अपने विचार बताओ। किसी और को सुन रहे हो पहले, तुम किसी और को पढ़ रहे हो, फिर उन्हीं के विचार उठाकर अपने विचार दे रहे हो, अपने बनाकर दे रहे हो। इससे तो वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो वहीं पर घूम रहे हैं। पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, किसी को भी सुनो, लेकिन कम से कम विचार अपने दो लोगों को। मैं जो तुम्हें दे रहा हूं ये मेरे अपने विचार है, क्योंकि मुझसे सवाल पूछा गया है कि मेडिटेशन की खोज कब हुई थी या फिर मेडिटेशन क्या है। तो मेडिटेशन की खोज कब हुई ये आप इंटरनेट पर खोजो, बहुत सारी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट नहीं है। कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि इसी वक्त में इतने हजार साल पहले ही इस इंसान ने मेडिटेशन या फिर ध्यान की खोज की थी, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, ये योग का एक सब्जेक्ट रहा है। योगा में इसका इस्तेमाल होता था, आजकल पता नहीं होता है या नहीं, लोग कम करते हैं या फिर कुछ को पता नहीं है, क्योंकि किताबें लोग पढ़ते हैं। हर कोई किताब जब कोई पढ़ता है तो अपनी मर्जी का, अपना जो फेवरेट होता है उसको, या फिर अपना जो उसे पसंद आता है, वो कोई भी कंसेप्ट इंसान उठा लेता है और उसके ऊपर बुक लिखनी शुरू कर देता है। लेकिन बाकी की चीजें रह जाती हैं, बाकी की चीजों को उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। जो फिर जो उसका पाठ उसको पढ़ने वाले होते हैं या सुनने वाले होते हैं, उनके पास क्या पहुंचता है? आधा अधूरा ज्ञान पहुंचता है। तो हमेशा याद रखना, ये जो ध्यान है, मेडिटेशन है, आज आप सीख रहे हो किसी गुरु से या किसी किताब से, तो ये योगा का कंसेप्ट रहा है। हो सकता है योगा ध्यान का कंसेप्ट रहा हो, या फिर योगा ध्यान से निकला हो, या फिर ध्यान योगा से निकला हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। तो इसी तरह इन दोनों की खोज हुई थी। योग और ध्यान ये साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं है, लेकिन बताने वाले आपको अलग अलग सिखाते हैं, सिखाने वाले अलग अलग सिखाते हैं। तो या तो उनकी इंफॉर्मेशन में कमी है, या उनके ज्ञान में थोड़ी बहुत कमी, हर किसी के ज्ञान में कमी रह जाती है। लेकिन यहां पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आपकी अधूरा जो ज्ञान है उसको पूरा करने की। तो हमेशा याद रखना, ध्यान जो है वो योग का ही एक कंसेप्ट है।
योगा से शरीर को ताकत मिलती है। जैसे देखो, जिन देशों में ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं वहां पर कोई योग वगैरह ज्यादा नहीं होता था पहले, वहां पर योगा का कंसेप्ट भारत से गया है, क्योंकि भारत में मौसम बड़ा ही ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर जितनी गर्मियां होती हैं उतनी ही सर्दियां पहले होती थी, लेकिन आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है लगातार, तो गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं और सर्दियां कम। पहले बहुत ज्यादा जंगल होते थे तो ऐसा नहीं था, सभी ऋतुएं एक जैसी होती थी, चारों महीनों में चारों ऋतुएं, मतलब 4 महीने की एक ऋतु होती है तो 12 महीनों के हिसाब से चारों ऋतुएं पूरी की पूरी चलती थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता गया, धरती के ऊपर पेड़ों पत्थरों में बदलाव होता गया, वैसे वैसे मौसम में भी बदलाव होते रहते। जिन देशों में ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं उन देशों में योगा का या फिर ध्यान का कंसेप्ट कभी रहा ही नहीं है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज आप देखते हो, यहाँ पर ज्यादा बर्फ पड़ती रहती है, ज्यादा ठंडे इलाके हैं, जो वहां पर मेडिटेशन नहीं की जाती थी या फिर योग नहीं ज्यादा होता था पहले, वहां पर कसरत शारीरिक श्रम होता था, लोग आपस में लड़ते थे, कसरत करते थे या फिर भारी सामान उठाते थे ताकि शरीर में जबरदस्त एनर्जी पैदा हो और उनके शरीर को ताकत भी मिले और उनका शरीर जल्दी गर्म भी हो जाए, जिसके कारण ठंड कम लगती है। तो इसीलिए आज भी यहाँ वहां पर यही चीजें चल रही हैं। ये जो जिम का कंसेप्ट है, अच्छी बॉडी बनाने का कंसेप्ट है, आइडिया है कि हमें ताकतवर बॉडी बनानी चाहिए, अच्छे मसल बनाने चाहिए, ये भारत का नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ आइडिया है। पहले लोग पहलवानी करते थे, तो यहाँ पर पहलवानी तो भारत में होती थी, लेकिन वहां यहाँ पर बॉडी वगैरह नहीं बनाते थे, लोग पहलवानी के लिए अलग अलग प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जो मसल बनाने का जो कंसेप्ट है, आइडिया है, ये वेस्टर्न से आया है, क्योंकि वहां पर ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो लोग अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए भारी भरकम बोझ उठाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन भारत में मौसम बड़ा सामान्य रहता है, चाहे ऋतु कोई भी हो, तो यहां पर ही ध्यान और मेडिटेशन की या फिर योगा की खोज की गई थी, क्योंकि कोई भी देश हो या वहां के मौसम का, वहां के जलवायु का इंसान के शरीर और दिमाग के ऊपर गहरा असर पड़ता है और उसी तरह उसके विचारों के ऊपर असर पड़ता है। वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही चीजें होती हैं, जैसे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जैसी बातें करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, जैसा ज्ञान लेते हैं, जिन स्कूलों में जाते हैं, जैसे कॉलेजेस में जाते हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी बातों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वैसे ही जो आपके इलाके का मौसम है उसका भी प्रभाव आपके शरीर और दिमाग के ऊपर पड़ता है। जो लोग भारत से वेस्टर्न कंट्रीज में गए, वो भारत से अपना ज्ञान लेकर गए और वहां पर लोगों को जो ज्ञान अच्छा लगा उन्होंने उस ज्ञान को अपनाया और उसके ऊपर किताबें लिखी। वैसे ही जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पर आए, चाहे हमलावर बनकर आए, चाहे व्यापारी बनकर आए, चाहे स्टूडेंट बनकर आए, कुछ सीखने की हैसियत से आए, तो वो लोग अपना ज्ञान यहाँ पर लेकर आए, तो भारत के लोगों को जो अच्छा लगा उन्होंने अपना लिया। ऐसे ही ये जो ध्यान और योग हैं, टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, ये दोनों अलग अलग हो गए और इनके ऊपर अलग अलग प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई, अलग अलग किताबें लिखनी शुरू हो गई, अलग अलग जो व्याख्यान बोलने शुरू हो गए, तो ये दोनों आपस में कट गए। ध्यान को योग से अलग कर दिया गया और योग को ध्यान से अलग कर दिया गया और पूरे ज्ञान का ही जो है एक उसके बैलेंस में बिगाड़ पैदा हो गया, जिसे हम कहते हैं कि खराबी पैदा हो गई, और इसके कारण बहुत बड़ा पागलपन आया है भारत में। बहुत सारे जब आप डीप जाकर सोचते हैं तो आपको असल में पता चलता है कि सिर्फ योग करोगे तो भी आपको ज्यादा फायदा नहीं होता, सिर्फ ध्यान करोगे तो भी आपको फायदा नहीं होता, क्योंकि योग और ध्यान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप योगा करते हैं तो आपको ध्यान का पता होना चाहिए, अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको योगा का पता होना चाहिए। योगा शरीर के लिए है और ध्यान दिमाग के लिए है, मस्तिष्क के लिए है, मन के लिए है, मन में जो विचार चल रहे हैं उनको कम करने के लिए, ताकि मन के तनाव को, दिमाग के तनाव को कम किया जा सके, इसके लिए खोज की गई थी योगा में ध्यान की। गौतम बुद्ध को भी जब आप पढ़ते हो, जो उनकी मूर्तियां देखते हो, जो मूर्तियां भी आप देखते हो, वहां पर भी सिर्फ ध्यान नहीं है, ध्यान तो बाद में जोड़ दिया गया है, ध्यान के अलावा भी वहां पर कुछ है और वो है योग। अच्छा, आप जरा सोचो,
आजकल जो लोग ध्यान के बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं कि ध्यान लगाओ आपको ईश्वर के दर्शन होंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होगा, या फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन है, मैं कौन हूँ, जिसको आप मैं कहते हैं वो क्या है, ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित करो, ये करो वो करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तुम कौन हो, आत्मा क्या होती है। एक तरफ आपको बताया जाता है कि गौतम बुद्ध और ध्यान का गहरा रिश्ता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, ये कहा जाता है कि वो तो नास्तिक थे। मतलब जो आपको कह रहा है कि आस्तिकता के लिए, भगवान को पाने के लिए ध्यान करो, फिर वो बता रहा है कि जिस इंसान ने ध्यान की खोज की या गौतम बुद्ध ने ध्यान की खोज की, तो वही नास्तिक है। अब इन दोनों बातों में कोई बैलेंस है, बनता है, नहीं बनता ना। अगर गौतम बुद्ध नास्तिक थे या हैं, चलो हम मानते हैं कि नास्तिक हैं, पूरा दर्शन ही गौतम बुद्ध का नास्तिक माना जाता है कि वो नास्तिक दर्शन है, लेकिन जो लोग तुम्हें ध्यान सिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको ईश्वर मिलेंगे, लेकिन गौतम बुद्ध ने ईश्वर की बात ही नहीं की और वो भी ध्यान सिखाते थे, तो ध्यान से ईश्वर का, भगवान का, आत्मा का, इन चीजों का तो लेना देना ही नहीं है उस हिसाब से। इसीलिए ज्यादातर बातें जो आपको बताई जाती हैं भारत में गुरुओं के द्वारा, जो लेखक हैं, किताबें लिखने वाले या फिर वीडियो बनाने वाले, वो आपको आधी अधूरी चीजें बताते हैं और किसी से सुनकर बताते हैं, खुद सोचते ही नहीं है कि किसी चीज का बैलेंस उसके साथ बन रहा है या नहीं, यहां से वो विचार आ रहा है वो पूरा फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा। यहां से जो विचार लेते हो कम से कम खुद लॉजिकली सोचो थोड़ा कि वो वहां पर फिट आएगा या नहीं। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के साथ अगर आप ध्यान को जोड़ रहे हो, वो तो नास्तिक थे, और जो लोग आपको ध्यान सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि ध्यान की मदद से आपको क्या मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, तो ये दोनों बातें आत्म विरोधी हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जो कहानियां लिखी गई हैं उनमें एक कहानी मुझे याद आती है, पंचतंत्र की कहानी है। एक कहानी का नायक गौतम बुद्ध को कहता है कि आप नास्तिक हैं, भगवान को आप मानते नहीं हैं, तो आप ध्यान करते हुए किस सुंदरी को याद करते हैं, किस प्रेमिका को याद करते हैं, किस औरत को याद करते हैं, क्योंकि भगवान को तो आप मानते नहीं लेकिन कर आप ध्यान रहे हैं। अब यहां पर ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो हालांकि वो कहानी एक अलग दृष्टिकोण से लिखी गई है, एक व्यंग कसा गया है, फिर भी अगर आप ध्यान से सोचो तो जो लोग आपको आज बता रहे हैं ध्यान के बारे में वो कुछ अलग है, लेकिन जब शुरुआती दौर में ध्यान की खोज की गई थी योगा के साथ तो वो कुछ अलग था। ठीक है, तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, इन चीजों में बैलेंस बनाने की जरूरत है, और वो तभी बन पाएगा अगर आपको असली चीज पता होगी कि है क्या ध्यान के बारे में, योगा के बारे में। क्योंकि कसरत जो है, बॉडी बनाना जो है, ये तो कंसेप्ट बहुत बाद में आया है, लेकिन भारत में जो चल रहे हैं पहले वो है योग और ध्यान, ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही एक विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण इसकी एक भूमिका होती थी उस जमाने में, जिस जमाने में इसकी खोज की गई थी। तो ध्यान की जो मुद्राएं बताई जाती हैं कि हो सकता है गौतम बुद्ध ने भी कभी ध्यान किया हो, ये भी कहा जाता है कि वो तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, वो एक स्टूडेंट भी थे। अगर वो एक, देखो मैं गौतम बुद्ध को पढ़ता हूँ और मैं उनके बारे में सोचता भी हूँ, अगर उनके बीच मैं गौतम बुद्ध को भी पढ़ता हूँ और भी जिसे आप ओशो कहते हैं उसको भी मैंने पढ़ा है, और भी जो सदगुरु हैं और भी कई लोगों को पढ़ता रहता हूँ, लेकिन पढ़ने के बावजूद मैं सोचता हूँ कि जो विचार उन्होंने कहे और आज जो विचार फैले हुए हैं उनके बारे में, क्या वो उतने सही हैं जितने लोग बता रहे हैं, उनमें कुछ गलत तो नहीं है या फिर उनको बदला तो नहीं गया, ये सारी चीजें देखकर उसके बाद मैं यकीन करता हूँ कि उस बात को मानना चाहिए या नहीं। वैसे ही सलाह मैं आपको देता हूँ, चाहे तुम योगा के बारे में कुछ भी सुनो, मेडिटेशन के बारे में कुछ भी सुनो, लेकिन अगर आपकी सोच ही उसके ऊपर खरी नहीं उतर रही तो उसके ऊपर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। इतिहास खोजो, अच्छी तरह खोजो, पढ़ो, ध्यान से देखो, चीजों को जोड़कर देखो, तोड़कर देखो, फिर अगर वो तुम्हारे दिमागी स्तर के ऊपर ठीक बैठती हैं, फिट बैठती हैं, तो उनको मानो। तो योग और ध्यान, इनकी खोज एक ही टाइम पर अलग अलग थोड़े फासले पर की गई थी, तो धीरे धीरे टाइम के साथ योग अलग हो गया और ध्यान अलग हो गया। इस बात को हमेशा याद रखो, दोनों ये एक दूसरे के पूरक हैं, ध्यान दिमाग के लिए है
और योग मेडिटेशन के लिए है, और इन दोनों चीज़ों का भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है आपके शरीर में, दिमाग में बह रही ऊर्जा से, एनर्जी से, उसके अंदर बैलेंस बनाने से, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन है वो बड़ा ही सही तरीके से चलता रहे और आपके शरीर में कोई विकार ना आए, दिमाग में कोई विकार ना आए, और अच्छे विचार पैदा हों, और संतुलित आपको नींद आए, आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी बातें करो, अच्छे विचार आपके दिमाग में पैदा हों। तो उन चीज़ों का संबंध है इससे। धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है योग से, और धार्मिकता का कोई संबंध नहीं है ध्यान से। जैसे कि हमने पीछे बात की चार्वाक में कि धार्मिकता इंसान के अंदर होती है। अगर धार्मिक इंसान किसी चीज़ को पढ़ेगा, किसी चीज़ के बारे में लिखेगा, तो वो उसके अंदर अपने आप धार्मिकता डाल देगा। उसका भी वश नहीं होता खुद के ऊपर, क्योंकि उसकी सोच ही वैसी बन जाती है। और धार्मिक होना ठीक है, वहमी होना गलत है मेरे ख्याल से। क्योंकि जब कोई इंसान धार्मिक भी होगा और वहमी भी होगा, तो वहम भी डालेगा वो फिर उन चीज़ों में। और वैसे ही ध्यान में बहुत तरह के वहम आ चुके हैं अब आजकल, जो हम देखते हैं। योग में बहुत तरह के वहम आ चुके हैं, है ना। ज्योतिष वगैरह में बहुत तरह के वहम आ गए हैं। पहले ज्योतिष में वहम नहीं होते थे, आज होते हैं। वैसे ही ध्यान में वहम होते हैं, जैसे भगवान का मिल जाना या किसी शक्ति का मिल जाना, सुपर पावर वगैरह, ये वहम ही है। तो अलग अलग वहमों को जोड़ दिया गया है, और जो पुराना ज्ञान था उसको संकुचित कर दिया गया है, और उसका एक तरह का बलात्कार कर दिया गया है, जिसे अब सुधारने की थोड़ी जरूरत है। और वो खुद ही सुधार सकते हो आप, अगर थोड़ा सा अच्छी तरह सोचते हो, नहीं तो नहीं सुधार सकते। तो ये है मेडिटेशन की हिस्ट्री, ध्यान की हिस्ट्री। असली इतिहास ध्यान का कोई नहीं जानता, लेकिन ध्यान योग का कंसेप्ट है, और योग की असली योग का इतिहास भी कोई नहीं जानता। ध्यान का एक कंसेप्ट है योग, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बताने वाले आपको बहुत कुछ बताते हैं, तो सुनो उनको, उनको पढ़ो, देखो, एनालाइज करो, फिर यकीन करो।